इंतजार, कितना अजीब है ना ये इंतजार, शायद आपने भी किया होगा, किसी से मिलने का इंतजार या फिर किसी दुखद रात के ढलने का इंतजार या फिर सपनों के हकीकत होने का इंतजार। किसी की आंखें सूखी हो जाती है इंतजार में, तो किसी की आंखें सुर्ख हो जाती है इंतजार में। किसी बूढ़े बाप को इंतजार है कि उसका बेटा जल्द लौट आएगा, और किसी मां को इंतजार है कि बेटा आएगा तो मेरे लिए नई साड़ी लेते हुए आएगा। मैं बात कर रहा हूं सिर्फ इंतजार की, क्योंकि इस वक्त मैं भी इंतजारी कर रहा हूं बस के आने का। आखिर इंतजार खत्म हुआ, बस चल पड़ी। कोई बैठा था तो कोई पड़ा था, मैं भी अपना कोना पकड़कर बैठा रहा और एक बार फिर इंतजार करने लगा कि बस कुछ घंटे और फिर मैं अपने गांव पहुंच जाऊंगा। फौज में भर्ती होने के बाद पहली बार अपने गांव जा रहा था, तभी पास बैठे बाऊजी ने पूछा, ओ जी पुत्र फौज से हो? हां जी बाऊजी। ओ तुम फौजियों को देख के दिल खुश हो जाता है, ओ मेरा भी एक पुत्र फौज में है, असम में पोस्टिंग है उसकी, कहां जाओगे? सिंदबाड़ा बाबूजी, दो गांव छोड़कर। जी बस अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी, पीछे छूटते रास्ते और पीछे छूट जाने के डर से उड़ती हुई धूल को अपने कपड़ों से चिपकता हुआ देखता मैं, मेजर अमरदीप सिंह। आसमान का सूरज पेड़ों के साथ धूप छांव का खेल खेल रहा था। पुराने पथरीले रास्तों के डर से बस के कोने से थरथराने की आवाजों के बीच एक आवाज मेरे कानों में गूंजी, टोपी संभाल के। तपती धूप में बंजर पेड़ पर बैठी कोयल सी वो आवाज देखा तो बगल में खूबसूरत लड़की बैठी। मैंने जैसे उसके तरफ देखा तो मेरे सफर की थकान और घंटों से लेकर प्यास दोनों की मिट चुकी। उसकी कत्थई आंखें जिनमें लगा गहरा काजल मौसम को चेतावनी दे रहा था, और उसका नीला सूट जो कि आसमान के रंग को फीका कर रहा था। कुछ देर के लिए तो मैं भूल ही गया कि मैं भीड़ से भरी बस में अपने दोनों पैर समेटे हुए बैठा हुआ हूं। मुझसे रहा ना गया, मैंने उन्हीं आंखों के किनारों पर डूब कर कहा, वो बड्डी प्यारी है जी, मेरा मतलब ये टोकरी। वो
उसने जैसे ही मेरे तरफ देखा मैंने अपनी बात पलट दी थी, शायद पहली बार मुझे जल्दी घर पहुंचने पर अफसोस हो रहा था। कई ख्यालों के बीच ख्याल ये भी आया कि मेरा गांव इतना पास क्यों है। नीचे उतरने के बाद मैंने उसे ऊपर उसी निगाह से देखा जैसे प्यासा चातक पंछी देखता है बादल से बरसने वाली पहली बूंद। उसके माथे पर परेशानी की शिकन नजर आ रही थी, जैसे वो कुछ नीचे तलाश रही हो। मैंने मन में खुद से ही सवाल किया, क्या मुझे नहीं, शायद वो उतरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मासूम से बंदी पैरों में पायें डगमगा रही थी। मैंने बिना सोचे समझे अपना हाथ बढ़ा दिया। दोनों के स्पर्श की खुशी में पायल का घूर छन से बज उठा। ओ जी शुक्रिया की कोई बात नहीं, आप इसी गांव की हो? दो बरसात हो जाती। ओ जी कोई ना, फिर मिलते हैं। मैं घर आ चुका हूं। पूरी रात उस लड़की की वो आंखें और वो मुस्कुराहट मेरी नजरों के सामने आती रही। चूंकि वो इसी गांव की थी तो हम कहीं ना कहीं मिल ही जाते, और जब मैं ना मिल पाता तो वो मेरे ख्यालों में मिल जाती। कुल मिलाकर हम रोज मिलते, समय गुजरता गया और फिर आ गई होली। अब इधर मानो होली है यार। ओ सोनिए, तेरी आंखों के सुने पन में मैं काजल बनकर रह जाऊं, तेरे नैनों के सावन में मैं मोती बनकर बन जाऊं, तेरे मेहंदी वाले हाथों का मैं रंग बनकर निखर जाऊं, तेरे गीत के हर शब्द का मैं अर्थ बनकर समझ जाऊं।
तेरे कंगन की मैं खनक बनूं, फूटों का दिल में हो जाऊं, तेरे चेहरे में है नूर बहुत, मैं पिघल कर महाबल हो जाऊं, तेरी पायल का मैं शोर बनूं, तुम मेरी कविताओं की ले बन जाओ, धीरज धरो संग चलो, तुम संगनी मेरी बन जाओ। मैं प्यार करता हूँ तुझसे, शादी भी करना चाहता हूँ, तू करेगी मेरे नाल प्यार, बोल बनेगी मेरी संगनी। आखिर घर वालों की सहमति से हमारी शादी हो ही गई। हमारे गांव की एक खासियत है कि यहां प्रेम पर कोई पाबंदी नहीं, बिना पाबंदी का प्रेम परवान चढ़ता रहा और मेरी छुट्टियां घटती रही और मेजर अमरदीप सिंह अपनी ड्यूटी वापस चला गया। देश प्रेम और पत्नी प्रेम मुझे हमेशा ड्यूटी करने के लिए उत्साहित करता रहा। पति दर्द ये तो आप खूब ही निभा दिया, देश प्रेम ये तो मेरा पहला कर्तव्य, इसे भला मैं कैसे बोल सकता हूं। और एक बार फिर मैं कर्म भूमि से छुट्टी लेकर अपनी प्रेम भूमि पर लौट आया। ओ मीरा ओ भाई, बड़ी याद आई तेरी, वो क्या बताऊं, खासकर तेरे खाने की याद है। वो खाने से याद आया भाई, बड़ी भूख लगी, जल्दी खाना लगा यार। ओए सुने, आई लव यू। ओ भाई अब कौन आ गया यार, खाना तो खा लेने दो यार। बुलाया है जंकाउक में, वो अब एक मेजर की जिम्मेदारी तो निभाना पड़ेगी। वो ऐसे ना कर यार, वो वैसे भी लौट आऊंगा तेरे पास। ओ इस बार तू एक महीने की छुट्टी लेकर आऊंगा तेरे पास। वही बाधा रहा तुझसे, खाओ मेरे सिंदूर की कसम की तुम जल्द लौट आओगे। अभी आए हुए तुमको दो दिन भी नहीं हो, तुम जाने की बात कर रहे हो, कैसे बुरा ना मानू। ना तो ठीक से तुम्हें कुछ खिला पाई, ना बता पाई, ना तुमसे तुम्हारा हाल पूछा, तुम जाने की बात कर रहे हो। जाओ लेकिन तुम, नहीं रोकूंगी तुम्हें, अपना कर्तव्य अच्छे से निभाओ। सारे प्रेम से ऊपर है देश प्रेम, बस जल्द लौट आना, तुम्हारे बिना कहीं मन नहीं लगता, कहीं इंतजार में सिंदूर अधूरा ना रह जाए। ओए
समय आ गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। अब हमारी आंखों में मौत का डर नहीं, प्रचंड अग्नि दिखना चाहिए। हमारे खून की खून की चंद्रगिरी तो यह स्वाद होगा हमारा और हमारे हिंदुस्तान का। आज बता दो कौन हो तुम, आज मेरा दो तिरंगे जीत का हम खून दे देंगे। आज सदियों से प्यास इस पार्टी को, एक भी दुश्मन बच के ना जा पाए, तो आप सब तैयार है की हिफाजत नहीं कर पाया। और सोचा था वापस आकर अपने हाथों से पहनाऊंगा तुम्हें ये कंगन, और ये लहू नहीं है, ये तो सिंदूर है तेरा, जो हमेशा तेरी याद बनकर मेरे साथ रहेगा। ओ बस बस अगले जन्म भी तेरे नाल ब्याह हो जाए मेरी मीरा। ओ बस अगले जन्म भी तेरे आंखों के सूनेपन में मैं काजल बनकर रह जाऊं, तेरे नैनों के सावन में मैं मोती बनकर बह जाऊं, तेरी पायल का मैं शोर बनूं, तुम मेरी कविताओं की ले बन जाओ। धीरज धरो संग चलो, तुम संगनी मेरी बन जाओ। तू बनेगी मेरी संगनी। रेडियो प्रसारण में लोगों ने सुना, आज भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। भारत ने जंग जीत ली है, लेकिन दुख की बात है कि
कि हमारी सेना के 30 जवान और मेजर अमरदीप सिंह जंग लड़ते हुए शहीद हुए।